हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आज के मेरे इस न्यू ब्लॉग में। नवरात्रा स्टार्ट हो चुके हैं और ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पंडाल बनाया जा रहा है इस जगह पे। ये नंबर टॉप 10 में रहती है रामगढ़ में से ये भी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ पूजा की किस तरह यहाँ पे तैयारी हो रही है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को मैं पंडाल को बहुत करीब से। देख सकते हैं यहाँ की इतनी खूबसूरती के साथ बनाया जा रहा है यह पंडाल। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कारीगरों ने अपने काम को किया है। ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत यह पंडाल बनाया गया है। यह घुटुआ का मेन पंडाल है। देख सकते हैं फ्रेंड कितनी सुपर और बहुत ही अच्छी कलाकारी यहाँ पे हो रही है। ये देख सकते हैं पंडाल की बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे पंडाल बनाया जा रहा है। घुटुआ का ऐतिहासिक ये पंडाल बन रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। भी कुछ यहाँ पे मेले की तैयारी चल रही है। चारों तरफ दुकान ही दुकान दिख रही है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे दुकानें देखिए, मेले की कितनी तैयारी यहाँ पे हो रही है। सभी प्रकार की दुकानें यहाँ पे लग रही है फ्रेंड्स। यहाँ होलसेल है, 180 का है सारा। और भी लग रहा है दुकान लगा नहीं है, अभी तो माल सेटिंग कर रहे हैं। फिर क्रॉकरी का भी दुकान है, क्रॉकरी का भी है उधर। वो सब फिक्स प्राइस है क्या? नहीं, सब अलग अलग रेंज से उधर यहाँ सेल है। और भी आइटम लगेगा, दुकान लगा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेले की यहाँ भरपूर तैयारी चल रही है। दुकान भी स्टॉल हो रहे हैं, हो रहा है बहुत साल से हो रहा है। हम आए हैं 5 साल हो गया। अच्छा अच्छा, कितना दिन के बाद? और मेला लग रहा है 8 साल हो गया है। सब आदमी ठीक है, और भी मेला करते हैं यहाँ से, और अलग अलग फील्ड मेला करते रहते हैं साथ में। अभी कहाँ से आए हैं आप इस दुकान को? आसनसोल, ये आसनसोल से आए हुए हैं, बंगाल का है। यहाँ पे दुकान लगाए हुए हैं, ये देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं बच्चे सब भी यहाँ पे घूमने आते हैं। यहाँ ड्रैगन भी यहाँ पे है और ये मेले में जोर शोर से चलेगी और उड़ेगी भी। और भी कुछ लगा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। वहाँ देखते हैं बच्चे सब यहाँ पे आए हैं खेलने के लिए बहुत। एक से एक जादू यहाँ पे दिखाई जाएगी फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं। मेले में आपको हर प्रकार की यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। और देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं। मेले में आप इंजॉय ले सकते हैं यहाँ पे आने के बाद। गांव वाला भाई लोग उधर है, देख सकते हैं भैया सब यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं नाव का, नौका विहार को यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। मेले की जोर शोर से तैयारी चल रही है। तैयारी तो बहुत जोर से है। कहाँ से भैया आप? हम लोग ईटा गाँव से, नरकोपी। अच्छा, क्या चीज लेके आए भैया आप? हम लेके आए मौत मियाँ। अच्छा, आरू नाव है बड़ा नाव। अच्छा भैया, आरू पानी बोर्ड है। अच्छा।
बच्चा सबका है, स्कॉर्पियो कास्ट हुए है। अच्छा भैया, हर कुछ है। मौत यहाँ पे फिटिंग होने वाला, ज्यादा घंटा बाकी है। अरे मेरा ये मेरा दोस्त है जिसका यही चलाता गाड़ी उड़ा। अच्छा, ये साइड में करती है, ये ट्रैक हो रहा है और उधर ब्रेक लगा ला, बड़ा डावर भी लगा ला। देख सकते हैं भैया, सभी झूले के लिए बता रहे हैं, ये सब सभी झूले को ये सब लगाते हैं और यही लोग चलाते हैं इस झूले को। बच्चा के भी आइटम है, बड़ा का भी है, सभी प्रकार के यहाँ पे आइटम लगाए जा रहे हैं भाई। वो जमरू वाला देख रहे हैं ना, वो जमरू वाला। अच्छा, बड़ा नाव लगल है, हर तरफ प्रकार प्रकार का लगल है। देख सकते हैं फ्रेंड, बड़का खाना का यह जो पंडाल बन रही है, और हमारे साथ बड़े भैया है, यही यहाँ के सचिव है। तो भैया बताइए कुछ किस प्रकार के यहाँ पे क्या हो रही है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़का खाना गांधी मैदान ये बड़ा जोर शोर से लगे हुए हैं। कोरोना काल 2 साल से जो बंद हुए, इस बार संभावना है बहुत ज़्यादा भक्तों का भीड़ होने का, इसके लिए हम लोग बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। और यहाँ का जो प्रतिमा होती है, हम लोग का चलन प्रतिमा जो होती है दुर्गा माँ का और राक्षस का, दुर्गा माँ वध करती है, इसके लेके हम लोग यहाँ के क्षेत्र में मतलब पूरे जितने भी श्रद्धालु आते हैं उसके लेके बहुत उत्सुक रहते हैं यहाँ का देखने के लिए। इसलिए हम लोग सभी का सहयोग से इस क्षेत्र का, सभी लोग इस 4-5 गाँव का भी है, सभी का सहयोग रहता है, उनके माध्यम से हम लगे हुए हैं। मनोज यादव वर्ग का नाम गांधी मैदान का सचिव। देख सकते हैं भैया, बहुत ही अच्छी तरह से बताए यहाँ पे हाइड्रोलिक और यहाँ अच्छी तरह से बनाई गई है यहाँ पे पूजे पंडाल। और ये देख सकते हैं माता रानी का भी बहुत ही अच्छी प्रतिमा बनाया गया है। जैसे ही फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं ब्राह्मण के सबसे मैन चौक सुभाष चौक में हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं दुर्गा पूजा की कितनी जोर शोर से तैयारी चल रही है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पंडाल बनाई गई है। केदारनाथ का हुआ हो यहाँ पे पंडाल बनाया गया है, और मैं दिखाता हूँ आप लोग अपने वीडियो माध्यम से। मेरे वीडियो आप लोग लास्ट तक बने रहे और चलते फिर आगे से दिखा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है यहाँ पे पंडाल, श्री श्री केदारनाथ धाम का यहाँ पर पंडाल बनाया गया है, हूबहू उसी का रूप दिया गया है इस पंडाल में, देख सकते हैं। हेलो हेलो गाइस, आप सबों को मेरा नमस्कार। और आप देख रहे हैं इस केदारनाथ का जो यह छवि बनाया गया है वो बहुत ही आकर्षक है, और इस छवि को आप देख के भी महसूस कर सकते हैं कि यह हूबहू केदारनाथ जैसा लग रहा है। अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।